जी स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किया था। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 डायरेक्टली इसकी स्टेटमेंट डायरेक्ट पढ़ते हैं और उसमें वो क्या पूछ रहा है। डिस्ट्रीब्यूट ₹720 एज अ प्रॉफिट अमंग थ्री पीपल सो दैट देयर शेयर्स आर इन द रेशो 3:4:5। कह रहा है कि ₹720 जो कि प्रॉफिट है, इसको आपने डिवाइड करना है 3 लोगों में, जिसकी रेशो भी उसने फाइंड गिवन की है। तो अब क्वेश्चन नंबर थ्री पहले आप देखें कि प्रॉफिट कितना है। प्रॉफिट इज इक्वल टू ₹720 और उसके बाद वो कह रहा है कि इसकी रेशो भी आपको दी है, तो रेशो क्या है आपके पास, रेशो आपको दी है 3:4:5। ये 3 रेशो उसने गिवन की है और अब आपने इनका सम ले लेना है। सम पहले आप देखें किस तरह आएगा, सम ऑफ रेशो। तो बिल्कुल सिंपल है, मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि किस तरह सम लेना है। इन तीनों का आपने सम लेना है कि 3+4+5, तो आपके पास सिंपली कितना आंसर आ रहा है, 3+4 7 और 7+5 12, आपके पास ये सम आ जाएगा। तो आपने फिर क्या करना है कि इस अकॉर्डिंग टू दिस रेशो आपने डिस्ट्रीब्यूट कितनी करनी है, ₹720 को आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो पहले फर्स्ट के देखते हैं कितना, फर्स्ट पर्सन का कितना आता है, फर्स्ट पर्सन के हिस्से में कितना आ रहा है। तो देखें फर्स्ट पर्सन की रेशो है 3, तो 3 डिवाइडेड बाय आपने सिंपली 12 करना है, जैसे पीछे करते आ रहे हैं आप, मल्टीप्लाई बाय 720। ठीक है जी, ये आपके पास आंसर क्या आएगा बाय कैलकुलेटर अगर आप देखें तो। पहले आप इस तरह भी कर सकते हैं, 3 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं 720 के साथ और एंड पे आप 12 के ऊपर डिवाइड कर सकते हैं। और आप अगर इस तरह नहीं करना चाह रहे तो 3 को डिवाइड करें 12 के ऊपर, फिर जो आंसर वो आएगा उसको आपने सिंपली 720 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो दोनों तरीकों से ही वैलिड है, 3 डिवाइडेड बाई 12 जो आंसर आपके पास आएगा उसको आपने 720 के साथ मल्टीप्लाई करना है। आपके पास बाय कैलकुलेटर आंसर क्या आ रहा है, ₹180। तो आप अगर दूसरी तरह करें, 3 मल्टीप्लाई बाय 720 डिवाइडेड बाय 12, तो फिर भी आपके पास सिंपली आंसर 180 ही आएगा। तो ये था हमारा फर्स्ट पर्सन, मतलब हमने फर्स्ट पर्सन का शेयर निकाला 180। अब सेकंड पर्सन के लिए हम देखेंगे कितना आ रहा है। सेकंड पर्सन के लिए आपने क्या देखना है कि इस तरह ही आपने जो रेशो 3 थी पहले के लिए और सेकंड के लिए 4 थी, 4 ऊपर रखना है और 12 नीचे मल्टीप्लाई बाय 720। तो 720 अगर आप फिर उसी तरह ही इसका बाय कैलकुलेटर अगर आप करें तो फिर आंसर क्या आ रहा है, 4 मल्टीप्लाई बाय 720 डिवाइडेड बाय 12, तो आपके पास 240 आंसर इसका आ रहा है, ₹240। तो ये आपके पास सेकंड पर्सन की अमाउंट आ गई। अब हमने निकालनी है थर्ड पर्सन की, तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करें तो इसके कितने आ रहे हैं। बिल्कुल सिंपल, आपने फिर 5 को ऊपर रखना है और डिवाइड कर देना है सम के ऊपर जो कि 12 है, मल्टीप्लाई बाय 720। तो आप इसको अगर बाय कैलकुलेटर करें तो आपके पास 5 मल्टीप्लाई बाय 720 डिवाइडेड बाय 12, तो आपके पास ये 300 आंसर इसका आ रहा है, जो कि थर्ड लास्ट पे थर्ड पर्सन का हमने निकालना था, जो कि 300 आया। अगर आप इन तीनों का सम लें तो 720 अगर आता है तो फिर आपका क्वेश्चन ठीक है। तो लास्ट पे हमने 300 निकाला और उससे पहले 240 और उससे पहले 180, तो लास्ट पे इन तीनों का अगर आप सम लें तो 720 ही आ रहा है बाय कैलकुलेटर। तो फिर हमारा ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। आगे हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर फोर भी बिल्कुल इसी तरह ही है, सारे क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल हैं, लेकिन मैं आपके लिए वन बाय वन सभी ट्राई कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर डायरेक्टली देखते हैं क्या इसमें कह रहा है कि थ्री पर्सन इन्वेस्टेड एन अमाउंट ऑफ रुपीज 30 लाख इन अ बिजनेस विद शेयर रेशो 2:3:7, दे अर्न अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 6 लाख। कह रहा है कि एक बिजनेस तीन लोगों ने मिलके स्टार्ट किया जिसपे उस जिसके ऊपर उनकी इन्वेस्टमेंट थी 30 लाख, मतलब 30 लाख उन्होंने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट पे कर दी। और उसके बाद कह रहा है कि रेशो उसकी क्या है, इस रेशो के अकॉर्डिंगली उन्होंने इन्वेस्टमेंट की 2:3:7। और उसके बाद कह रहा है कि दे अर्न अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 6 लाख, उन्होंने कहा कि जो बिजनेस उन्होंने 30 लाख से स्टार्ट किया उससे उन्होंने 6 लाख अर्न किया, मतलब प्रॉफिट अर्न किया। कह रहे हैं कि इफ़ दे आर इंटरेस्टेड टू वाइंड अप देयर बिजनेस, कह रहा है कि अगर वो इस चीज़ के ऊपर इंटरेस्टेड हैं कि वो अपना जो बिजनेस है उसको बंद कर दें, क्लोज कर दें, मतलब ख़त्म करना चाह रहे हैं, तो व्हाट अमाउंट एवरी शेयर होल्डर वुड गेट, मतलब वो कह रहा है कि अगर वो इसके बाद 6 लाख बिजनेस कमाने के बाद वो कह रहा है कि उनका माइंड बना कि ये बिजनेस को हम बंद कर देते हैं, मतलब कोई भी इंसिडेंट ऐसा आ गया कि उन्होंने कहा कि बिजनेस को हमने क्लोज करना है, तो पहले वो कह रहे हैं कि अगर वो क्लोज करें, इन केस वो बिजनेस को क्लोज करें, तो हर जो एवरी पर्सन को कितने कितने शेयर्स आएंगे, मतलब कितने कितने उनमें डिविजन पैसों की आएगी। तो सिंपली आप इसका डायरेक्ट ये भी इस तरह भी कर सकते हैं कि पहले 30 लाख की रेशियो के साथ कर लें, या फिर आप डायरेक्टली उस झंझट में पड़ने की बजाय अगर आप ये कर लें कि 30 लाख प्लस 6 लाख कर लें तो आपके पास सिंपली सबकी ये डिविजन आ जाएगी। तो हम इस तरह ही फिर टोटल अमाउंट लिख लेते हैं जो कि 30 लाख और 6 लाख है, तो अगर इन दोनों का आप सम लें तो फिर आप इस रेशियो के अकॉर्डिंगली इनका प्रॉफिट या फिर पूरी रकम आप निकाल सकते हैं। टोटल अमाउंट हम लिखते हैं, पहले लिखते हैं टोटल इन्वेस्टमेंट जो के जो के 30 लाख है, और उसके बाद प्रॉफिट भी उन्होंने अर्न किया, प्रॉफिट अर्न कितना किया 6 लाख, 6 लाख उन्होंने प्रॉफिट अर्न किया, और रेशो उसके क्या दी है, रेशो उन्होंने दी है 2:3:7, 2:3:7 ये उन्होंने रेशो दी है आपको। तो उसके बाद 6 लाख भी हमने लिख लिया, तीसरी इन्फॉर्मेशन हमें रेशो की थी वो भी लिख ली 2:3:7। तो अब आपने सम ऑफ रेशो करना है, सम ऑफ रेशो, टू प्लस 3:7, तो आपके पास सिंपली आंसर क्या आएगा, 3:7 10 और 2 12, आपके पास 12 आंसर आ रहा है जो कि सम है। तो अब आपने क्या करना है सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन यहां से चलें स्टार्ट करते हैं आपका सॉल्यूशन। पहले हम फर्स्ट पर्सन का अगर निकाल लें तो नहीं, पहले आप टोटल वैल्यू निकाल लें, टोटल अमाउंटिंग, टोटल अमाउंट निकाल लेते हैं जिसको आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 30 लाख प्लस 6 लाख, तो ये टोटल बनेगा 36 लाख, ये आपके पास आंसर आ रहा है 36 लाख, ये आपके पास सिंपली इसकी ये वैल्यू आ गई। तो आपने इस वैल्यू को आपने ये डिवाइड करना है, तो पहले फर्स्ट पर्सन का अगर आप निकालें, फर्स्ट पर्सन का अगर आप निकालें तो फिर कितना बनता है देखें, उसमें कोई नाम अगर बताया तो फिर आप नाम लिख सकते हैं, अगर सिंपली उन्होंने कहा कि थ्री पर्सन है तो फिर आप पर्सन ही लिखेंगे, थ्री पर्सन इन्वेस्टेड एन अमाउंट, बस ठीक है। फर्स्ट आपने निकालना है, तो फर्स्ट की आपके पास फर्स्ट पर्सन की शेयर्स क्या बनेंगे, 36 लाख के हमने निकालने हैं जो कि 2 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय
36 लाख। तो 36 लाख को आपने डो के साथ मल्टीप्लाई करना है और फिर 12 के ऊपर डिवाइड कर देना है। 36 लाख मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 12, तो सिंपली आपके पास आंसर फिर क्या आया, 6 लाख। तो इसका फर्स्ट के लिए 6 लाख आ गया। तो सेकंड पर्सन के लिए बिल्कुल इसी तरह ही आपने निकालना है जिस तरह पहले का निकाला, 3 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 36 लाख। तो फिर इसको अगर आप मल्टीप्लाई करें तो 36 लाख मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 12, तो ये आपके पास आंसर आ रहा है 9 लाख सेकंड के लिए। और थर्ड के लिए किस तरह बनना है निकालेंगे। थर्ड पर्सन के लिए आपने बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आपने ये पहले दो का निकाला, और अब आपने 7 को ऊपर रखना है और डिवाइड कर देना है 12 के ऊपर और मल्टीप्लाई बाय 36 लाख। 36 लाख आपने ये करना है, आपने ये इस तरह को क्या नाम है, थर्ड पर्सन का आपने 7 ऊपर रखा जो कि रेशियो दिया, और डिवाइड आपने सम किया जो कि विच इज 12 मल्टीप्लाई बाय 36 लाख। 36 लाख अब आपने क्या करना है कि 36 लाख को पहले 7 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 36 लाख मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 12, तो ये आपके पास सिंपली आंसर 21 लाख ये आपका थर्ड पर्सन आ गया, थर्ड पर्सन का शेयर आ गया। अब अगर आप इन तीनों का सम ले लें तो 21 लाख और प्लस 9 लाख तो आपके पास 30 लाख बनता है, और 30 में जब 36 लाख बनाएंगे आप ऐड करेंगे तो आपके पास सिंपली 36 लाख आ जाएगा, विच इज़ 36 लाख। अगर हमने ये आप देख सकते हैं कि टोटल अमाउंट 36 लाख है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। तो उम्मीद करता हूँ कि आप ये जो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 हमने किया है यहाँ तक आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप वीडियो के अंदर छोटा सा कमेंट करें, मैं आपके लिए वो भी सॉल्व कर दूंगा। तो आगे हम करते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 और 6। दैट्स इट।